ईशान, ये वर की कुंडली ही है ना? ये नहीं हो सकता, असंभव। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? क्या ये कुंडली सच में दूल्हे की ही है, किसी और की तो नहीं? पंडित जी, ये मेरे ईशान की ही कुंडली है, बात क्या है? इस कुंडली के हिसाब से ईशान का विवाह हो चुका है। बताओ ना सुबिन, तुम्हारा शादी के बाद वाला सरनेम क्या है? मुझे नहीं पता क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। ओ रियली, कम ऑन सुबिन, इसमें बकवास की क्या बात है? शादी के बाद तो हर लड़की का सरनेम बदल जाता है, क्यों? गाइस एक मिनट, नाउ आई गॉट इट। इसके हस्बैंड का सरनेम ना कुछ फनी होगा, इसलिए छुपा रही है। नहीं सभी बोलो ना, सभी सब बात कर रहे हैं, बोलो, सुना दो, अनडिस्क्लोज कर दो। आज बताइए मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने का हक किसी को भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुमने ये बदतमीजी की है ना तो सुनो, मेरी शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है मेरी शादी। ये मंगलसूत्र नहीं है कि मेरी ताई की सलामती के लिए बांधा हुआ धागा है, और ये सिंदूर नहीं है। मैं पप्पा के आगे माथा टेकने गई थी मेरी ताई की सलामती के लिए, पप्पा के चरणों में कुमकुम रखा हुआ था, मेरे माथे पे लग गया, और मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे लगता है ये पापा का आशीर्वाद है, बस और कुछ भी नहीं। हंसने वाली तो बात है, अंदर पंडित जी को और पूरे घर वालों को मैं यही कह रही थी कि हमारी शादी हो चुकी है। मन से तो मैंने कब का तुम्हें अपना पति मान लिया है, हाँ लेकिन मंत्र पढ़ने बाकी है, वो हम कल पढ़ लेंगे। दूल्हा कहाँ है? यही तो है दूल्हा। नहीं, इनका विवाह तो हो चुका है, आज विट्ठल रुक्माई के मंदिर में। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि आज एक बहुत ही अलौकिक जोड़े का विवाह भी हुआ था, वहां इन्हीं का था।